हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए जो वीडियो लेकर आया हूँ ये क्लास टेंथ का केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है। और इसमें हम लोग इसके पहले कम्बिनेशन रिएक्शन और डिकम्पोजिशन रिएक्शन देख लिए हैं। तो आइए दोस्तों, आज हम लोग देखते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को और ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन को। तो इंजॉय करिएगा इस लेक्चर को। आइए देखते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है। पहला चीज, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इट मींस रिएक्शन इन विच वन मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस द लेस रिएक्टिव एलिमेंट। ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट कम रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है। और इसी को हम लोग देखेंगे कि विच वन इज मोर रिएक्टिव। आपको यह मालूम है कि जब कोई सीनियर होता है तो जूनियर को कह सकता है खड़े हो जाओ, लेकिन अगर जूनियर है वो सीनियर को कहेगा तो कहेगा हटो, कोई रिएक्शन नहीं होगा। तो जब भी सीनियरिटी लेवल यानी कि रिएक्टिविटी में सीनियरिटी लेवल पे कोई आता है तो वो अपने से कम रिएक्टिव एलिमेंट को हटा सकता है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन सीखने से पहले या पढ़ने से पहले हमको उन मेटल्स की रिएक्टिविटी को देखना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक न्यूमेरिक है, एक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स दिया हुआ है। प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ केयरलेस जेब्रा इज लर्निंग हाउ कॉपर सेव्स गोल्ड। प्लीज पी फॉर पोटेशियम, यहां पे कैपिटल लेटर से लेंगे, एस फॉर सोडियम, सी फॉर कैल्शियम, एम फॉर मैग्नीशियम, ए फॉर एल्यूमिनियम, अगेन सी फॉर कार्बन, जेड फॉर जेब्रा, आई फॉर आयरन, एल फॉर लेड, एच फॉर हाइड्रोजन, सी फॉर कॉपर, एस फॉर सिल्वर, जी फॉर गोल्ड। तो देख लिया आपने सीरीज। कुछ मैंने लिया है जो आपके कोर्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। और ये एरो क्या दिखा रही है, कहां जा रही है, ये एरो दिखा रही है, ये एरो दिखा रहा है द हाई रिएक्टिविटी, मतलब लेस रिएक्टिव से हाई रिएक्टिव की तरफ दिखा रहा है। मतलब अगर इसमें पूरे में हम देखें तो सबसे कम रिएक्टिव कौन है, गोल्ड। सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन हुआ, पोटेशियम। ओके, तो आइए हम लोग डेफिनेशन को देखते हैं। द रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव अंडरलाइन किया हुआ है एलिमेंट डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स सोल्यूशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एग्जाम्पल है आयरन, आयरन की नेल लेंगे, एक्टिविटी दिया हुआ है। अगर आयरन की नेल लेते हैं, कॉपर सल्फेट जो कि ब्लू इन कलर होता है, कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन जो कि ब्लू इन कलर होता है, उसमें अगर आयरन की नेल्स डालकर छोड़ दें तो कॉपर सल्फेट का जो सोल्यूशन हमने लिया था रिएक्शन के बाद वो आयरन सल्फेट में चेंज हो जाएगा और वो उसका कलर हो जाएगा ग्रीन, ब्लू से हल्का हरा हो जाता है। कॉपर डिपॉजिटेड ऑन आयरन, तो जो आयरन आपको शाइनी दिखता है उस पर अब इस रिएक्शन के बाद कॉपर का डिपॉजिशन होने के कारण वो ब्राउन दिखने लगता है। ये एक्टिविटी आपकी है और उस एक्टिविटी में ये रिएक्शन दिख रहा है। आयरन ने किसको रिप्लेस किया है, कॉपर को। आयरन कॉपर को रिप्लेस कर पाएगा अगर हम एक्टिविटी सीरीज में देखें। आयरन हमारा कहाँ है, आयरन यहाँ है, कॉपर यहाँ है, आयरन इज सीनियर देन कॉपर, आयरन रिप्लेस कर सकता है कॉपर को। ये रिएक्शन पॉसिबल है, होता है और दिया हुआ है किताब में। दूसरा रिएक्शन देखें, जिंक FeSO4 के साथ रिएक्शन दे दिया। आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछ लेगा कि अगर जिंक आयरन सल्फेट के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा। अब आपको ये ध्यान देना है कि जिंक हमारी रिएक्टिविटी सीरीज में कहाँ है और आयरन हमारी रिएक्टिविटी सीरीज में कहाँ है। तो जिंक देखा यहाँ है, आयरन देखा, सॉरी आयरन ये Fe होगा, सॉरी Fe होगा, नहीं तो आप लोग कमेंट में खरीदोगे, कमेंट कर देंगे आप कि सर आपने आयरन को आयोडीन लिख दिया था, आयरन Fe। तो जिंक हमारा ऊपर है, आयरन नीचे है, जिंक क्या करेगा, आयरन को रिप्लेस करेगा, क्या बनाएगा, ZnSO4 प्लस Fe, ठीक। ओके, आयरन रिएक्ट करता है लेड नाइट्रेट से, आयरन लेड नाइट्रेट से रिएक्ट करता है, क्या बनाएगा,
लेड नाइट्रेट से रिएक्ट करके आयरन क्या बनाएगा, आयरन बनाएगा Fe(NO3) ट्वाइस प्लस लेड। क्यों ऐसा करेगा, रिएक्टिविटी सीरीज में देख लो आयरन कहाँ है, आयरन है यहाँ पे और लेड है यहाँ पे, आयरन लेड को रिप्लेस कर सकता है क्योंकि आयरन एक्टिविटी रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर है लेड से, इसलिए रिएक्शन होगा और ये प्रोडक्ट बनेगा लेड। लेड जब CuCl2 के सोल्यूशन के साथ, लेड लिया CuCl2 का एक्वस सोल्यूशन है, एक्वस सोल्यूशन में लेड क्या कर रहा है, लेड है यहाँ पे कॉपर है यहाँ पे, रिएक्शन होगा और क्या बनाएगा PbCl2 प्लस कॉपर, कॉपर हो गया रिप्लेस। तीसरा चौथा रिएक्शन देखते हैं, कॉपर ने सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्ट किया, क्या बनाएगा, कॉपर अगर सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्ट करता है तो क्या बनाएगा, कॉपर अगर सिल्वर नाइट्रेट से करता है रिएक्ट तो बनाएगा CuNO3 ट्वाइस प्लस क्या अलग कर देगा 2Ag, रिएक्शन को कर लीजिए बैलेंस, Cu2AgNO3 CuNO3 ट्वाइस प्लस 2Ag। ठीक, तो कॉपर ने कर दिया सिल्वर को रिप्लेस। आगे देखिए जिंक, जिंक कहाँ पे है, जिंक है ये, जिंक और कैल्शियम, कैल्शियम कहाँ पे है ये, क्या जिंक कैल्शियम को कर पाएगा रिप्लेस, नहीं, क्योंकि जिंक है जूनियर, जिंक क्या है यहाँ है, कैल्शियम कहाँ है यहाँ है, तो जिंक कभी भी कैल्शियम को रिप्लेस नहीं कर सकता। ये रिएक्शन भी बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं होगा, कारण बताइए, क्योंकि मेटल एक्टिविटी सीरीज में जिंक इज लेस रिएक्टिव देन कैल्शियम, हेंस इसलिए वो कैल्शियम को रिप्लेस नहीं करेगा उसके सोल्यूशन से। कॉपर और H2SO4, कॉपर है यहाँ पे, H2H है यहाँ पे, हाइड्रोजन है ऊपर, क्या कॉपर उसको कर पाएगा, नहीं, क्यों नहीं कर पाएगा, क्योंकि कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, इसलिए वो हाइड्रोजन को उसके सोल्यूशन से रिएक्ट सोल्यूशन से डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, तो ये हो जाएगा नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन यहाँ पर नहीं होगी। तो ये समझ लिया आप लोगों ने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को। आइए हम लोग देखते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो मैं इधर ही रहता हूं, उधर जाऊंगा तो शायद कैमरे की रेंज से बाहर चला जाऊं। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है, रिएक्शन इन विच वन कंपोनेंट ईच ऑफ द बोथ द रिएक्टिंग मॉलिक्यूल गेट एक्सचेंज टू फॉर्म प्रोडक्ट्स, यानी कि दोनों रिएक्टेंट क्या होते हैं, अपने मॉलिक्यूल्स को एक्सचेंज करते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में और नया मॉलिक्यूल बनाते हैं इन द प्रोडक्ट, ऐसे रिएक्शन को डबल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, जहां दोनों कंपोनेंट एक दूसरे से मॉलिक्यूल्स का एक्सचेंज कर रहे हो। जैसे इस रिएक्शन में आप देखिए Na2SO4 प्लस BaCl2 और इसने बनाया BaSO4 प्लस 2NaCl, BaSO4 का बन गया था प्रेसिपिटेट, BaSO4 का बन गया था प्रेसिपिटेट। दूसरा रिएक्शन यहां दिया हुआ है Na2CO3 प्लस HCl, तो यहाँ क्या बनेगा, Na है दो, Cl है यहाँ पे, तो बनेगा NaCl और क्या बनेगा, NaCl बन जाएगा प्लस H2CO3 बन जाएगा, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट बन जाएगा, सॉरी कार्बोनिक एसिड बन जाएगा। तो इसको रिएक्शन को हम लोग करते हैं बैलेंस, कर लेंगे बैलेंस, तो 2NaCl प्लस H2CO3, लेकिन H2CO3 इज लेस स्टेबल, ये क्या होता है, लेस स्टेबल होता है, तो लेस स्टेबल होने के कारण ये क्या दे देगा, तुरंत ही H2O प्लस CO2 में चेंज हो जाएगा बिकॉज ऑफ द लेस स्टेबिलिटी ऑफ द सोडियम, लेस स्टेबिलिटी ऑफ द H2CO3। ओके, आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं और रिएक्शन को, देखते हैं और रिएक्शन क्या क्या है, AgNO3 प्लस NaCl, ये क्या बनाएगा, यहाँ पे बनेगा AgCl का प्रेसिपिटेट नीचे हो जाएगा प्लस NaNO3,
लेड नाइट्रेट जब रिएक्ट करता है सोडियम सल्फेट से तो लेड नाइट्रेट क्या फॉर्म करेगा? PbNO3 अगर रिएक्ट करेगा तो PbNO3 क्या बनाएगा? लेड सल्फेट, लेड सल्फेट PbSO4 प्लस NaNO3, 2NaNO3, ओके ओके। कॉपर सल्फेट रिएक्ट करता है तो ये क्या बनाएगा? CuS कॉपर सल्फाइड प्लस H2SO4। तो क्या हो रहा है, दोनों कंपोनेंट के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को डिस्प्लेस करके दोनों रिएक्टेंट में डिस्प्लेसमेंट होता है तो वो जो है नया प्रोडक्ट बना लेते हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इंडोथर्मिक इन नेचर होता है। इंडोथर्मिक इन नेचर का मतलब क्या है? इस रिएक्शन को करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, एनर्जी एब्जॉर्ब होगी रिएक्शन में, इंडोथर्मिक चाहिए उसको। रिएक्शन क्या करेगा? हीट को एब्जॉर्ब करेगा। दीज रिएक्शन अकर मोस्टली इन द आयनिक फॉर्म। ये जो रिएक्शन हो रहे हैं वो मोस्टली आयनिक फॉर्म में होते हैं, तभी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो पाता है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन को हम लोग देखेंगे। व्हाट इज ऑक्सीडेशन, व्हाट इज रिडक्शन? ऑक्सीडेशन क्या है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू अ सब्सटेंस और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम अ सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन क्या है? ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन का है। इसका मतलब है जिस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रहा हो उसको हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं, अगर दोनों एक साथ हो रहा है। अगर किसी रिएक्शन में केवल ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है कि किसी सब्सटेंस के साथ ऑक्सीजन का जुड़ना, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू अ सब्सटेंस और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम अ सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। ऐसे रिएक्शन को ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। रिडक्शन रिएक्शन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू अ सब्सटेंस, अगर किसी भी सब्सटेंस में हाइड्रोजन का एडिशन हो और ऑक्सीजन का रिमूवल हो तो ऐसे सब्सटेंस को हम लोग कहते हैं कि उसमें रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, रिडक्शन का मतलब रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन या एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ओके, तो एक आपको एक्टिविटी आपकी किताब में दी गई है कि कॉपर ले लीजिए किसी टेस्ट ट्यूब में, कॉपर लेकर उसको हम गर्म करते हैं, खूब गर्म किया, टेस्ट ट्यूब में लिया, ड्राई हीट दिया, ये जो ट्रायंगल बना है ये शो कर रहा है उसको हीट दिया जा रहा है, और जब हीट देकर उस पर आप ऑक्सीजन पास करते हो, ऑक्सीजन गैस पास करते हैं तो किप्रिक ऑक्साइड बनता है और उस कॉपर पे एक ब्लैक कलर की कोटिंग आ जाती है, उस कॉपर पे एक ब्लैक कलर की कोटिंग आ जाती है, दिस इज कॉल्ड किप्रिक ऑक्साइड। तो अगर आपसे पूछता है कॉपर have a coating of black color, please write the equation that is copper oxide, CuO, CuO आपको black color की coating के साथ copper दिखेगा। अगर इसी पर हम pass कर दें hydrogen, तो hydrogen pass करने से ये क्या होगा, oxygen हो जाएगा remove, copper आपको pink या red color में दिखने लगेगा, black coat disappear, जो black coat हुआ था because of oxygen वो क्या होगा, ब्लैक कोट वहां से डिसअपियर हो जाएगा अगर आप उस पर हाइड्रोजन गैस पास कर देते हैं। तो ये देखिए रिएक्शन, कॉपर पे ऑक्सीजन का रिएक्शन कराया गया, हीट के साथ कॉपर ऑक्साइड बना जो कि ब्लैक कोट कलर था, यहीं पे कॉपर ऑक्साइड पे अगर हाइड्रोजन पास करते हैं, हाइड्रोजन गैस पास करते हैं हीट के साथ तो क्या होगा, कॉपर बनेगा और वाटर बनेगा। ये देखिए यहाँ पे मैं इस रिएक्शन में दिखा रहा हूँ कि हाइड्रोजन, ये जो आपका एक रिएक्टेंट है ये क्या बना रहा है, इधर चल के वाटर बना रहा है, इस हाइड्रोजन पे क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है, तो ऑक्सीजन के एडिशन होने के कारण इसको हम क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन कहेंगे। इस पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीजन ऑलरेडी प्रेजेंट था, इसका ऑक्सीजन हो गया रिमूव, तो इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन। अब इस रिएक्शन में देखिए ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है, एक सब्सटेंस का रिडक्शन हो गया, दूसरे सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन हो गया। ऐसे रिएक्शन जहाँ पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहा हो ऐसे रिएक्शन को रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। वन रिएक्टेंट ऑक्सीडाइज्ड एंड अनदर रिएक्टेंट इज रिड्यूस्ड। ओके,
अदर एग्जांपल लेते हैं, जिंक ऑक्साइड कॉपर सॉरी कार्बन रिएक्ट करता है, जिंक ऑक्साइड से पे अगर कार्बन रिएक्ट करता है, हीट देते हो तो जिंक और CuO क्यों बना दिया भाई, जिंक आया और कार्बन मोनोऑक्साइड बन गया, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड बन गया। ZNO पे जब कार्बन ने रिएक्ट किया तो जिंक बनाया और कार्बन मोनोऑक्साइड बना दिया। किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है, जरा देखिए, जिंक पे ऑक्सीजन था और इसका ऑक्सीजन गया निकल, तो इसका क्या हो गया ऑक्सीडेशन, इसका हो गया रिडक्शन, क्योंकि ऑक्सीजन गया है निकल और क्या हो गया ऑक्सीडाइज, कार्बन हो गया ऑक्सीडाइज और ऑक्सीडाइज होकर क्या बनाया कार्बन मोनोऑक्साइड। तो यहां पे आप लिख सकते हो। नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं, मैग्नीज ऑक्साइड पे रिएक्शन हुआ हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, MnCl2 प्लस Cl2 प्लस H2O बनाया। मैग्नीज ऑक्सीडाइज स्टेट में था, ये चेंज हो गया Mn में, तो इसके साथ क्या हुआ रिडक्शन। तो यहां आप क्या लिखेंगे, ये हो गया रिड्यूस और ऑक्सीडाइज क्या हुआ हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज हो गया। तो इसको आप क्या लिखेंगे, देखिए मेरे पास जगह नहीं है इसलिए आप लिख लीजिएगा, ऑक्सीडाइज होकर क्या बना दिया वाटर। ओके, यहां पे देखिए तीसरे रिएक्शन में Fe2O3 प्लस 2Al एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट करके आयरन अलग कर देता है और Al2O3 बनाता है। एल्यूमिनियम हो गया ऑक्सीडाइज क्योंकि ऑक्सीजन का हो गया एडिशन, आयरन हो गया रिड्यूस। यहां पे देखिए ये हो गया रिड्यूस, ठीक है, Fe2O3 रिड्यूस होकर आयरन देता है। ओके, तो ये क्वेश्चन सबसे पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में, पूछता है कि क्या रिड्यूस हुआ क्या ऑक्सीडाइज हुआ। तो ऑक्सीडेशन यहां पे किसका हुआ, यहां पे रिड्यूस कौन हुआ Fe2O3 रिड्यूस होकर क्या दिया Fe दिया, एल्यूमिनियम का ऑक्सीडेशन हुआ, एल्यूमिनियम ने Al2O3 बना लिया। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट दीज थ्री टाइप ऑफ रिएक्शन। तो ऑलरेडी हम लोग पहले दो टाइप ऑफ रिएक्शन पढ़ चुके हैं, नेक्स्ट वीडियो सेगमेंट में हम लोग कोरोजन रेंसिडिटी और उनके कॉज क्या हैं उनको हम लोग डिस्कस करेंगे, साथ ही डिस्कस करेंगे प्रॉब्लम्स को, जो प्रॉब्लम्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उसमें से कुछ प्रॉब्लम्स को हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो थैंक्स फॉर योर पेशेंस, आपने इतनी लास्ट तक मुझे देखा मुझे सुना, इसके लिए धन्यवाद। लेक्चर आपको कैसा लगा अपने कमेंट्स जरूर करिएगा। ओके, तो इन द लास्ट धन्यवाद।